विधायक चुनने सुबह से ही उत्साह उमंग के साथ मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता। खबर कराहल से है, जहां आज 17 नवंबर को मतदान के लिए सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र आने लगे हैं। सभी वर्ग में इस बार मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कई नव युवक युवतियों ने लोकतंत्र के पर्व में पहली बार मत का प्रयोग किया तो उनमें इसको लेकर बड़ी उमंग थी। कई लोगों ने विकास के लिए तो कई लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को देखते हुए वोट किया। वहीं प्रशासन की कमी भी कहीं कहीं देखी गई, जहाँ मतदान पर्ची को लेकर लोग परेशान नजर आए और कहीं कहीं मतदान प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि लोगों को घंटों लाइन में लगा रहना पड़ा। सतत निगरानी के लिए कराहल एसडीएम और तहसीलदार लगातार प्रशासन मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे थे। वहीं शांतिप्रद मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साक्षी गुप्ता, क्या सोच के आयो विकास को देख के वोट दोगे? हम ये सोच के आए कि आज जो हमारा मत है बहुमूल्य है, ये हम ऐसे ही फालतू नहीं जाने देंगे। और देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, व्यापम घोटाले और इतना पढ़ लिख के इतने पैसे कमाकर हम लोग अपना फॉर्म भरते हैं लेकिन फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। अभी तक बीएड सब कुछ किए हुए हैं लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है, इसलिए हम अपना बहुमूल्य सोच समझ कर ही देंगे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह जी, वोट देने आयोग कितना उत्सव मांगे इस बार? इस बार इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैं अपना मत देने आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना कुशवाहा है। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, आज क्या उत्साह है, क्या देख कर इस बार वोट किया है? इस बार उत्साह काफ़ी अच्छा है लोगों में, क्योंकि हमारे कराहल ब्लॉक में इसको लेकर शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है और जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए हैं, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और अच्छा अपना मतलब वो चुनना चाहते हैं कि हमारे विकास करें, ऐसा हम लोग नागरिक चुने, उसके लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। महिला पुरुष सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग ले रहे हैं। मेरा नाम निश्चय मंगल है। क्या देख के इस बार वोट किया है आपने? यही कि विकास होना चाहिए और एक ऐसे नेता को हम चुनेंगे जो कि हमारे विकास के लिए, तरक्की के लिए कुछ करे। तो वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन एक सही नेता चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो वोट देने हम इसलिए आए क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा नेता आए जो हमारे विकास के लिए कुछ करे। मेरा नाम सूर्यदेव शर्मा है। क्या देख कर वोट कर रहे हो आप इस बार? देखिए, सारी चीज़ें, सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए वोटिंग की जा रही है। बेरोजगारी को भी देखा जा रहा है, भ्रष्टाचार को भी देखा जा रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ वोटिंग की जा रही है। मेरे द्वारा भी हमारा मत है, जो मतदान हमें करना चाहिए मैं उसी को देखते हुए कर रहा हूँ कि पिछली बार जो रहा है, जो भी सारी चीज़ों को देखते हुए कितना भ्रष्टाचार रहा है, कितनी सारी चीज़ों को मुद्दे रहे हैं, बेरोजगारी है, यहाँ हर एक युवा बेरोजगार है ना, उस सबको देखते हुए देखते हैं, नई सरकार बनती है, नए एमएलए आते हैं, सारी चीज़ जो भी आती है उनको देखते हुए हम वोटिंग कर रहे हैं। तो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा ओझा है। कहाँ से आ रहे हो? हम वोट डाल के आ रहे हैं। आपने कौन सी बार वोट डाला है? मेरा पहली बार वोट डाला है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आज हमें देश का नागरिक होने का एहसास हुआ है। आपने क्या देखते हुए वोट डाला? हमने विकास को देखते हुए, विकास की और प्रगति हो और आगे बढ़े विकास, उसको देखते हुए हमने वोट डाला है। क्या नाम है आपका? उमा शंकर गुप्ता। उमा शंकर जी, आप मतदान करके आ चुके हो, क्या सोचकर इस बार आपने वोट किया है? इस बार हमने इसलिए कांग्रेस के लिए वोट किया है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूट, खसोट, चोरी डकैती, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमने कांग्रेस के लिए वोट किया है। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, आज आपने वोट किया है तो क्या आपके मन में विचार थे जिसके आधार पे आपने वोट किया है? हमने वोट विकास के लिए किया है और आगे भी विकास के लिए प्रयास करेंगे कि लोग मतलब जो जो प्रतिनिधि चुन के आए वो विकास और अच्छे से करें। यानी विकास और अच्छे से हो, उस प्रतिनिधि को चुनने के लिए आपने वोट किया? हाँ, विकास के लिए वोट किया है। क्या नाम है भैया? सुनील आदिवासी नाम है मेरा। क्या परेशानी आ रही है सुनील जी? परेशानी इसलिए आ रही है, ये पूरी पब्लिक है अपनी पर्ची के लिए इधर उधर भटक रही है। मैं पूरे पोलिंगों पे घूम लिया, सब कह रहे हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ, और पति का जहाँ वोट डल रहा है वहाँ उसकी पत्नी का नहीं डल रहा है।